बिहार में भले ही विधानसभा चुनाव खत्म हो गया हो, लेकिन नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है। शुक्रवार को सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला अब गर्माता जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बहुत बड़ी भूल हुई है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा है कि सबसे बड़ी भूल तो नीतीश जी से हुई। लालू यादव को उन्होंने विधानमंडल का नेता बनाया था, तेजस्वी यादव को भी उन्होंने ही डिप्टी सीएम बनाया था। नीतीश जी ने जो भूल की उसी का परिणाम है कि तेजस्वी यादव ने इतने घटिया शब्द का प्रयोग उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह कहा है कि नीतीश कुमार ने ही सबसे बड़ी भूल की कि बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को उन्होंने पदभार दिया और उसी का नतीजा था कि सदन में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से इस तरह घटिया तरीके से बात की। ये बोल गिरिराज सिंह के, आप भी सुनिए ये वीडियो। सबसे बड़ी भूल तो नीतीश जी की हुई जो कल कह भी रहे थे कि लालू यादव जी को उन्होंने विधानमंडल का नेता बनाया था, मुझे पूरा ध्यान है, वो भी कल कह रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी वही डिप्टी सीएम बनाए थे, ये भूल उन्होंने जो की है उसी का ये दुष्परिणाम है कि आज तेजस्वी यादव इतने घटिया शब्द का प्रयोग नीतीश जी के व्यक्तिगत जीवन पर लगाया जिससे कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। एक शब्द तो पुत्र के विषय में ऐसा कहा जो मैं बोल भी नहीं सकता। कोई सभ्य आदमी वैसा आरोप सदन के पटल पर नहीं लगा सकता जैसा घटिया शब्द का प्रयोग हुआ।